लगता है अल्पेश यादव को याद आ रही है अभिषेक मलहन, मनीषा रानी और आशिका भाटिया की। साथ ही साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में बिताए उन सभी पलों की जो उन्होंने अपने फेम ग्रुप के साथ बिताए हैं, जो उन्होंने बाकियों के साथ एंजॉय किया है। बता दें आप सभी को कि कल अपने गेमिंग चैनल पर लाइव आए थे अल्पेश यादव, जहां पर वो कई वीडियोस को देख रहे थे, कई वीडियोस पर रिएक्ट कर रहे थे। भले ही अब अल्पेश यादव कितनी भी इग्नोर करने की क्यों ना कोशिश करे किसी को, लेकिन जब वो अपने इस बिग बॉस जर्नी की वीडियो देख रहे थे जो फेम ग्रुप की बनी हुई थी, उस वीडियो को देखकर जो स्माइल थी अल्पेश यादव की, वो सच को पूरी तरह से बयां करती है कि वो एक्चुअल में उसमें बहुत खुश थे, उस पल में बहुत खुश थे। और जब आज वो पल बहुत बीत चुका है और उस फेम ग्रुप से खास बात भी नहीं रही है, तो अल्पेश ने खुद कहा आई एम मिसिंग दिस यार। यानी कि अल्पेश के खुद मुंह से जब ये चीज निकल चुकी है कि वो मिस कर रहे हैं उस चीज को, तो वो ये चीज खुद दिल से निकली है, इस चीज को बयां करती है उनकी स्माइल और उनकी ये बात भी कि वो पल तो बहुत अमेजिंग था। फेम ग्रुप बिल्कुल भी नकली नहीं था, देखा जाए तो वो पल जो वो चार मिलकर बिता रहे थे, ज्यादा से ज्यादा अल्पेश, अभिषेक और मनीषा का वो वक्त था, तो वो बहुत ही हटके था, बहुत ही अमेजिंग था। और उस वक्त उनका जो बॉन्ड था वो बस आगे और चलता तो और ज्यादा फैंस को खुशी जरूर मिलती। जिस तरह से बिग बॉस ओटीटी 2 के बाद एक अल्पेश वर्सेस अभिषेक को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी उठी, अल्पेश ने बहुत सारी बातें कुछ ऐसी कही जो टारगेट अभिषेक को कर रही थी, लेकिन अभिषेक ने उसे सही करने की कोशिश की, किया भी गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ बस ये चीजें चलती आ रही हैं। आज अभिषेक अल्पेश का सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वाला एक रिश्ता रह चुका है, कोई पर्सनल फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच नहीं है। मनीषा और अल्पेश तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मनीषा ने अपनी ओर से टाटा बाय बाय कर दिया फॉर एवर के लिए। आशिका आज भी न्यूट्रल है इन तीनों के साथ, लेकिन उनकी मुलाकात जरूर हुई है मनीषा के साथ, लेकिन अभिषेक और अल्पेश के साथ नजर नहीं आई है। अभिषेक अल्पेश ये एक दूसरे को फॉलो आज भी करते हो, लेकिन फेम ग्रुप की वो बात जो बिग बॉस में थी वो आज नहीं रही। जो कहीं ना कहीं अल्पेश ने आज बयां किया है कि वो मिस करते हैं, तो मनीषा, अभिषेक, आशिका भी जरूर करते होंगे। क्या कहना है इस पर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।